गुन ने मीस ने दोनों के दोनों हवा तक न लगने दी, और वो भी देखो कैसे पोले मुंह से खड़ी मिलके जा रही थी। ये बताया तक नहीं कि किस नियत से जा रही है वो। उमर तुम्हें तो बताना चाहिए था ना कि वो रूठ के जा रही है। अल्लाह जाने उसने माँ के सामने क्या क्या दुखड़े रोए होंगे जो ज़किया आपे से बाहर हो रही थी। उसने वो सुनाई है मुझे जैसे हम तो उस पर यहाँ जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। अब ऐसे चुप क्यों बैठे हो, बोलते क्यों नहीं हो? क्या हुआ ऐसा कि वो मैके जाकर बैठ गई है? क्या किया तुमने? क्या किया? मैंने क्या किया? वो खुद ही नहीं रहना चाहती यहाँ पे, अपनी मर्जी से गई है। बहुत कोशिश की उसको समझाने की, नहीं समझी। क्या करता, बांध के रख लेता अपने साथ उसको। अरे मर्द बन, एक बीवी नहीं संभाली जा रही तुझसे, घुघू घोड़ा। मुझे बता क्या कमी थी उसे यहाँ? हर तरह का आराम, सुख, चैन, फिर तकलीफ क्या हुई है उसे? उसे आपका सुख, आराम, चैन कुछ नहीं चाहिए। भूल जाए आप लोग उसको। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, कैसे भूल जाए भाई? देखो उमर, जो भी मसला है तुम दोनों के दरमियान हमें बताओ, हम तुम दोनों को सामने बिठा के सुनेंगे। बस क्या सुनेंगे आप? अब क्या सुनना है आपको? जो सुनना था मैंने सुन लिया। सच बात तो ये कि मैं उसको पसंद ही नहीं, वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, बात खत्म। उमर हाय हाय, देखो जरा मैं उसे कितना भली मानस, चुप चपीती समझती थी, अल्लाह मियाँ की गाय, वो ये सब कह के चली गई मेरे बच्चे को। हाय हाय, मेरे उमर का दिल कितना दुखा होगा। मैं मानने पर तैयार ही नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? माहीन की कोई गैर है वो? अरे बच्ची है, हमारे हाथों में पली हुई। देखो रजिया, ये बात कुछ और है, और उमर कुछ छुपा रहा है, कुछ छुपा रहा है। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनकी लड़ाई होती किस वक्त थी। इनके कमरे से तो कभी चूं की आवाज नहीं आई। अल्लाह खुश रखे नाजिया और मंसूर को। जब लड़ते हैं ना तो मोहल्ले में चार पांच घर तो जरूर मजा लेते हैं। चलो यहाँ तो अपना ही मलाल है कि लड़ाइयों के मजे नहीं ले सके। बहुत अच्छे अम्मा जी, बहुत खूब, वाह वाह।